बीते बुधवार को पूरे देश भर में जितिया व्रत मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने गंगा सहित अलग अलग नदियों में डुबकी भी लगाई। हालांकि बिहार के लिए बुधवार का दिन काल बन गया। दरअसल बिहार में जितिया व्रत के दौरान तालाबों और नदियों में डुबकी लगाने गए कम से कम 46 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक ये घटनाएं 25 सितंबर को आयोजित जीवित पुत्रिका महोत्सव के दौरान राज्य के 15 जिलों में हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 8 मृतकों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा, औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर प्रखंड के कुशहा गांव में 4 बच्चों तथा बारूड़ प्रखंड के इटहट गांव में 3 बच्चों की नहाने के दौरान डूबने से हुई मृत्यु दुखद। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। शोक संतृप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। वहीं मामले को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही उन्होंने शोक भी व्यक्त किया। चौधरी ने कहा, यह मामला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, यह चिंता का विषय है। इस पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है। सम्राट जी, 43 लोगों की जितिया पर्व में डूब करके मौत हो गई है पूरे बिहार भर में, कैसे देखते हैं? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, स्वाभाविक है, यह चिंता का विषय है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और संवेदना भी व्यक्त किया है। ऐसे परिवार जिनके घर में इस तरह की क्षति हुई है, ये हम लोग के लिए चिंता का। इसके अलावा मामले पर आरजेडी ने भी बयान दिया है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रशासन को सभी नदियों के घाटों पर पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी। तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा, यह बहुत दुखद है कि इस त्योहार के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 46 लोगों की मौत हो गई। जिला प्रशासन को केवल समर्पित घाटों पर ही नहीं बल्कि सभी घाटों पर उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार को लोगों के जीवन की कोई परवाह नहीं है। इस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि कैमूर और मोतिहारी में 5-5 लोगों की डूबने से जान चली गई। ये लोग पर्व पर पूजा से पहले तालाब में नहाने गए थे। वहीं सारण जिले में भी अपनी मां और अन्य परिजनों के साथ स्नान करने गए 5 मासूमों की डूबने से जान चली गई है। कैमूर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जितिया पर्व पर स्नान के दौरान नदी व तालाब में डूबने से 5 लोगों की मौत हुई। एक घटना जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र की है, वहीं दूसरी घटना दुर्गावती थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की, तो तीसरी घटना मोहनिया थाना क्षेत्र के ग्राम दादर की बताई जा रही है। चौथी घटना भभुआ प्रखंड के रामपुर गांव की है। इसके अलावा मोतिहारी जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वृंदावन परसौनी में माँ और बेटी सहित 2 अन्य मासूमों की भी डूबने से जान चली गई। तो जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भी 3 मासूमों की डूबने से जान गई है। ये सभी घटनाएं बिहार के अन्य अन्य जिलों और क्षेत्रों में हुई हैं। इसी प्रकार बताया जा रहा है कि राज्य भर में कम से कम 46 लोगों की जाने चली गई हैं। बता दें कि जितिया 3 दिवसीय उत्सव है। इस उत्सव के दौरान महिलाएं अपने बच्चों की भलाई के लिए उपवास करती हैं और पानी में डुबकी लगाती हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब।